आज हम जो है ये पार्ट में प्रोग्रेशंस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। देखो प्रोग्रेशंस में एपी पढ़ रहे थे अपन, सम टू एंड टर्म्स बोलते हैं, यानी कोई एंड टर्म्स तक ऐड करना है अपने को, सम यानी ऐड करना है कोई एंड टर्म्स तक, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए यानी फर्स्ट टर्म ऑलरेडी पढ़े हम, डी यानी कॉमन डिफरेंस, या तो और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये तो मान लो तुम फर्स्ट टर्म, एल का मतलब है था लास्ट टर्म, एल का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है, या तो ऐसा भी ले सकते हैं हम, देखिए एल का मतलब एंथ टर्म वाला सा, ए एन बी डालो लास्ट टर्म, यानी कभी एंथ टर्म भी ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, अब सपोज ये फॉर्मूला यूज करो आप एस एन इक्वल्स टू, ऐड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल टर्म्स कितने हैं सिक्स, तो एन का मतलब सिक्स, सिक्स बाई टू, ए यानी फर्स्ट टर्म, एल यानी लास्ट टर्म, तो ये क्या आएगा, टू वन ज़ा टू थ्री ज़ा, इलेवन प्लस वन ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स, तो ऐड करके उसको 36 आ रहा गया, इलेवन प्लस नाइन ट्वेंटी, ट्वेंटी सेवन, थर्टी टू, थर्टी फाइव, थर्टी सिक्स आ गया। देखिए अगर चाहे तो पहला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम, पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बोलिए एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ये फॉर्मूला यूज करके देखो, एन है सिक्स बाई टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, एन बाई टू, टू इंटू ए क्या है वन, टू इंटू ए क्या है वन, प्लस एन क्या अपने पास सिक्स माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, बोलिए थ्री माइनस वन टू, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एक डालता हूँ मैं, सिक्स बाई टू हो गया थ्री, सिक्स बाई टू थ्री हो गया, ठीक है, अब ये बोलिए टू वन ज़ा टू, प्लस सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स। खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता था मैं स्टार्ट करने से पहले, तो याद समझ गए ना आप लोग, सम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लिख के याद कर लीजिए, दो फॉर्मूले है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर लास्ट टर्म है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, स्टेप्स कम रहते ना, खाली ए प्लस एल रहता, अगर लास्ट टर्म है तो ये फॉर्मूला, वरना ये फॉर्मूला यूज करना। इस पर अपन थोड़े क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखिए आप लोग, सबसे पहले क्वेश्चन सही पढ़ के समझना, क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ऐसा भी जा सकते हैं अपन, एस 51, एन का मतलब 50, नंबर ऑफ टर्म्स एन, एस 51 पूछ रहा हूँ, तो एन क्या बोला यहाँ पे 51, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मैंने ए टू एंड थर्ड टर्म, तो पहले सेकेंड टर्म दे रहा ना, सेकेंड टर्म 14 है बोले सर, और थर्ड टर्म 18 है बोले सर, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये दो यूज करके, सुनिए आप लोग, ये दो यूज करके ए और डी मान कर लीजिए, जब ये दो यूज करके ए और डी मान कर लेंगे तो कुछ भी मान कर सकते हैं, क्योंकि सम के फॉर्मूले में ए और डी और एन है, एन तो ऑलरेडी अपने पास सम टू 51 टर्म्स, तो अब ये फिर से एक दानों में ए टू है 14 और ए थ्री, सॉरी एट थर्ड टर्म है ना, ए थ्री इक्वल्स टू 18, अब ए टू का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस टू डी इक्वल्स टू 18, हमेशा कैसा कर रहे थे अपन, इधर से ए मालूम करके इसमें सब्सिट्यूट कर लो डी आता, फिर डी इधर डालो ए आता, ठीक है, तो इसमें से ए मालूम कर लेंगे अपन, ए प्लस डी इक्वल्स टू 14, देयर फोर ए इक्वल्स टू 14 माइनस डी, अब यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लो ए की जगह पे, सब्सटीट्यूटिंग ए, तो ए के पे 14 माइनस डी प्लस टू डी इक्वल्स टू 18, टू डी में से डी निकालो डी हाँ, तो टू डी माइनस डी इज डी, 18 प्लस 14 उधरेगा तो माइनस 14, तो डी इक्वल्स टू 18 माइनस 14 हुआ था 4, तो ये आ गया डी, अब यहाँ पे डी एक डालो सब्सटीट्यूटिंग डी, तो कहेंगे ए इक्वल्स टू 14 माइनस डी इज 4, तो ए इक्वल्स टू 14 माइनस 4 हो गया 10, तो ए भी आ गया अपने को, डी भी आ गया, अब को सा भी मालूम कर सकते हैं वैल्यूज, तो सम टू 51 टर्म्स पूछ रहा ना, इसलिए एस एन का फॉर्मूला डालो, फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं मान सकते, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू डी, अब ये देखो कैसा करेंगे, एक बार रिवाइज कर लो, एस सम टू 51 टर्म्स हो रहा तो एस 51 इधर हूँ, इक्वल्स टू एन क्या है 51 बाई टू, सम टू 51 टर्म्स थे तो एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, टू इंटू ए अभी मालूम करें अपन 10 आया, प्लस एन 51 माइनस वन इंटू डी क्या अपने पास 4, इसको सॉल्व कर देना, इक्वल्स टू 51 बाई टू, 10 टू ज़ा 20, प्लस 51 माइनस वन क्या होता है 50, 50 इंटू 4 क्या हो जाएगा 200,
तो याद कर लो 51/2, 200 + 2 20, 220, इसको कैंसिलेशन कर लो भाई, 2 1s 2 1s 2 1s 0। अब लास्ट स्टेप, ये जीरो हैज इट इज जीरो एक डाला मैंने, 11 1s 11 का 1 कैरी 1, 11 5s 55 प्लस 1 56, तो ये हो गया सम टू 51 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ के समझना क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, फर्स्ट टर्म 17 है बोले सर, तो गिवन ए इक्वल्स टू 17। लास्ट टर्म चाहे आप एल से लिखो या एन से लिखो, है ना, ए एन भी बता दो, अच्छा है तो ए एन का मतलब भी वही रहता, वही ले लो। इफ द कॉमन डिफरेंस इज डी इक्वल्स टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी एन इक्वल्स टू हाउ मच, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो क्या है, दो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स यानी एन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज देयर सम यानी एस एन पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी टर्म्स एन एस एन। तो सबसे पहले अपन क्या करना है, ये ए और डी है ना अपने पास, ये लास्ट टर्म का कंडीशन यूज कर लो, लास्ट टर्म का कंडीशन यूज कर तो एन आता, एन आ गया तो फिर ऐसे मान सकते लेट, है ना, लास्ट टर्म को ए एन सपोज कर लो, ए एन इक्वल्स टू 350। अब ए एन का फॉर्मूला ऑलरेडी अपन पढ़े पहले, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इक्वल्स टू 350। अब देखिए अपने पास ए है और डी है, तो अपन क्या करेंगे, ए और डी रख डालेंगे तो अपने पास कौन सी वैल्यू आ जाएंगी बोलो, एन आ जाएगा। यहाँ पर इधर हूँ इम्प्लाइज ए, ए की वैल्यू क्या है 17 प्लस एन माइनस वन इन टू डी, डी की वैल्यू क्या है 9 इक्वल्स टू 350। अब प्लस 17 उधर लेगा तो माइनस 17 है, 9 पहले इधर हूँ, 9 इंटू, देखिए मैं 9 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 350 प्लस 17 उधर लेगा तो माइनस 17। अब नेक्स्ट बोल गया हूँ माइनस कर लीजिए, 9 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 350 में से 70 निकालिए, 333 होता है मेरे ख्याल से, 350 माइनस है ना 17, क्या होंगे लो 333, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है बोलिए आप, एन उधर लेके एन 9 मल्टीप्लाई मत करो, उधर लो डिवाइड हो जाता, देयर फोर एन माइनस वन इक्वल्स टू 333 बाई 9। अब ये कैंसिल होता हो, 9 वन्स 9 3s 27, 6 बचा ना, 9 7s 63, ठीक है, माइनस में उधर लेके जाओ, देयर फोर एन इक्वल्स टू 37, माइनस में इधर ले तो प्लस 1, तो देयर फोर एन इक्वल्स टू आ गया 38। तो पहला क्वेश्चन आ गया अपने को फाइंड एन। अब वैसे इस है ना 38 टर्म्स है बोले सर, 38 टर्म्स है, इसका सब मालूम करना है, तो सब का फॉर्मूला डाल लेंगे, दूसरा फॉर्मूला इसके लिए क्योंकि अपने पास फर्स्ट एल की वैल्यू है ना अपने पास, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है अपने पास, एन बाई टू इन टू ए प्लस एल, क्योंकि एल है अपने पास लास्ट टर्म, वैसे ही फॉर्मूला यूज कर लो। तो कैसे लिखेंगे, देखो एन आ गया अभी 38, तो 38 बाई टू इन टू ए, ए यानी फर्स्ट टर्म 17 प्लस एल, एल यानी लास्ट टर्म 350। अब ये कैंसिल होता ना भाई, 2 2 1s 2 9s 18, इसको ऐड कर लो 3 40 59 67। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 इंटू 367, 367 इंटू 19, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 7 63 का 3 कैरी 6, 54 60 है ना, 9 6 54 प्लस 660 का 0 कैरी 6, 9 3 27 33, 1 7 7, 1 6 6, 1 3 3, क्या आएंगे बोलो, 3 7 9 6, तो 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूसेस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, क्या भाई एक टीवी जो है कंपनी है थर्ड ईयर में 600 सेट्स बना रहे हो और 700 सेट्स इन सेवंथ ईयर, सेवंथ ईयर में कितने हैं 700 सेट्स, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, हर साल क्या है भाई एक एक है ना कॉन्स्टेंट नंबर टीवी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी जैसे हर साल 25 50 ऐसा, इसलिए क्या है हम क्या करेंगे इसको एपी समझेंगे, हर साल कॉन्स्टेंट नंबर बढ़ते जा रहा है ना, एडिशन होते जा रहा हूँ, तो एडिशन होने से एपी, फाइंड द प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर, खाली इतना समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद बोर्ड नीचे कर देंगे, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो अपन एक काम करेंगे, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन ए वन समझो, सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन ए टू समझो, थर्ड ईयर का प्रोडक्शन ए थ्री समझो, तो अपने क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर ए वन या ए वाले की बात, एंड द प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर,
A10 इक्वल्स टू हाउ मच सेकंड लेकिन प्रोडक्शन इन द 10th ईयर ने A10 पूछ रहा टोटल प्रोडक्शन इन द 7 इयर्स पूरा 7 इयर्स तक के टोटल प्रोडक्शन है सम बोले साइन टोटल प्रोडक्शन 7 साल तक पूरे हर साल कितने हुए पूरे ऐड करना है सोचो ये 7th ईयर का टोटल सम टू 7th इयर्स ठीक है ना भाई अब स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग A3 की वैल्यू क्या है अपने पास 700 यहां लिख डालो मैं थोड़ा नीचे का करके मैं देखिए A3 की वैल्यू क्या है अपने पास गिवन A3 इक्वल्स टू 600 एंड A7 इक्वल्स टू 700 अब ये दो सॉल्व करके हम A और D मार्क कर लेना जब A और D आ जाएगा तो कुछ भी वैल्यूज मार्क कर सकते हैं तो AD का फार्मूला हम शुरू से कर रहे हैं इसको सॉल्विंग A plus 2D इक्वल्स टू 600 D उधर लेके चलो A इक्वल्स टू 600 माइनस 2D यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो सब्स्टिटूटिंग A अच्छा यहां पे पहले फार्मूला लिख दो इसको A7 का फार्मूला क्या है A plus 6D ए अब भी मांग गए ना सब्स्टिट्यूटिंग ए जैसा शुरू से कर रहे थे ना ए की वैल्यू क्या है 600 माइनस 2d प्लस 6d इक्वल्स टू 700 6 माइनस 2 है तो 4 4d 700 प्लस 600 उधर लेकर तो माइनस 600 तो ये हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 100 तो d इक्वल्स टू क्या होगा 100 बाय 4 425 इज 100 अब d आ गया 25d equals to 25 ठीक है अब यहां पे d सब्स्टिट्यूट कर लो a आ जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग d बोलो a equals to 600 minus 2 into d क्या है 25 a equals to 600 minus 25 तो 50 25 टू सर a equals to 550 a का मतलब फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट ईयर की वैल्यू तो फर्स्ट ईयर में कितने टीवी सेट्स से बोले सर 550 देयरफॉर TV sets produced in first year. कितने produced हुए 550. वैसे find the number of TVs produced in seventh year पूछ रहा हूँ. हाँ हाँ. Second question क्या है? Production in 10th year. Production in 10th year ने A10 पूछ रहा हूँ. Production in 10th year ने A10. A10 होता A plus 90 equals to A है 550 plus 9 into D है 25. तो ये हो जाएगा 550 प्लस 9 इंटू 25 225 होता तो ये कितना हो गया बोले यहाँ पर लिख डालो 5677 775 देयरफॉर है ना क्या लिखेंगे देयरफॉर टीवी प्रोड्यूस्ड इन 10th ईयर में कितने आ गए बोलिए 775 ठीक है 775 उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टोटल प्रोडक्शन इन 7 इयर्स जुमला 7 इयर्स में तो सम ऑफ द प्रोडक्शन पूछ रहा अनुसार से एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम 7th ईयर का प्रोडक्शन भी दिया लाना हम सीधा एल यूज कर लेंगे क्या देखो लास्ट अच्छा तो ये फॉर्मूला यूज करो ना भाई एन बाई टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो 7th ईयर का प्रोडक्शन कैसे लिखेंगे S7 सेवन बाई टू टू इन टू ए आ गया अपने को अभी 550 प्लस एन के अपने पास 7 माइनस 1 इनटू डी डी के अपने पास 25 तो क्या आएगा देखिए 7 बाय 2 इनटू ये क्या आएगा 550 इनटू 2 1100 प्लस ये क्या आएगा 7 माइनस 1 6 6 इनटू 25 होता 150 अब इसको ऐड कर लेंगे दो स्टेप्स बचे हैं तो तीन स्टेप्स हो जाता है equals to 7 by 2 into अब ये क्या होगा बोलिए इसको ऐड करते हो 100 प्लस 150 250 तो 1250 हो गया ये 1250 इसको कैंसिल करिए 2 1s 2 6s 12 2 2s 4 2 5 इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 5s 35 का 5 कैरी 3 14 15 16 7 का 7 कैरी 1 42 प्लस 1 43 तो therefore total number of लिख देना therefore total number of TVs produced in 7 years जुमला 7 साल तक कितने प्रोड्यूस हुए 4375 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर लॉक्स यानी यहाँ पे वुडन स्टिक्स को बोल रहे हैं वुडन स्टिक्स को कितने जुमला सॉरी 200 लॉक्स कैसा रख रहे हैं 20 लॉक्स इन द बॉटम एकदम नीचे गया है 20 लकड़ियां रखी है ना
उसके ऊपर एक कम कर रहे हैं 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर एक कम कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर और एक कम कर रहे हैं 18, यानी एक क्लास सीरीज का समरी पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, जाहिर बात उसके बाद 17 है ना, आते जाएंगे। अच्छा जुमला कितने लॉग्स है अपने पास, 200 लॉग्स है, एंड सो ऑन इन हाउ मेनी रोज, जैसा फर्स्ट रो में 20 है, सेकेंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है, वैसे 200 तक कितने रोज होते हैं, इन हाउ मेनी रोज, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा हूँ, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर दे इन द टॉप रो। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक में इसका क्लियर फिगर देखिए, यहाँ पे एक रफ फिगर उतारा था मैं समझने के लिए। देखो भैया गौर से सुनिए, सपोज यहाँ पे कितने लॉक्स है अपने पास, 20 लॉक्स है, इसके ऊपर एक कम कर दिए 19 लॉक्स है, इस यहाँ पे 18, यहाँ पे 17, अब ऊपर जाते गए तो कम होते जाएंगे ना भी। अच्छा टोटल कितने होना अपने को, 200 तक जाना है, मिसाल के तौर पर 20 प्लस 19 कितना हो गया 39, 49, 57, 57, 63, ऐसा ऐसा होते होते क्या है 200 तक ख़त्म करना है अपने को। तो उन क्या पूछ रहा, लास्ट रो में कितने लॉक्स आएंगे, लास्ट रो में कितने लॉक्स आएंगे, ये पूछ रहा क्वेश्चन, हाउ मेनी लॉक्स। एक चीज़, और ये कितने रोज फॉर्म है, जैसा ये फर्स्ट रो है तो हम इसको समझ रहे हैं A1, इसको समझो A2, इसको समझो A3, इसको समझो A4, तो क्या करना है अपने को, एक तो n की वैल्यू मालूम करना है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, विच रो कहाँ तक जाएंगे 200, तो एक तो वैल्यू अपने को n की मालूम करना है, n इक्वल्स टू हाउ मच, और लास्ट रो में कितने वॉक्स बचेंगे, यानी an इक्वल्स टू हाउ मच, नंबर ऑफ रोज यानी एल मालूम करेंगे हम, और लास्ट रो में कितने वैल्यूज है, कितने लॉक्स बचे, उसको ए एन से बताएंगे। ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले अपने पास देखो सीरीज कैसा बनेगी, लेट है ना, दिया जाएगा लेट गिवन सीरीज इज कैसा बनेंगे, देखिए भाई सबसे पहले हमारे पास रहेंगे क्या रहेंगे बोलिए, सबसे पहले 20 प्लस एक कम हो जा रहा 19 प्लस और एक कम हो जा रहा 18 प्लस 17, ये पूरे ऐड करते गए तो कितने होना है बोले अपने को 200, ये पूरे ऐड कर तो कितने होना, जुमला 200 लॉक्स ही अपने पास, तो ये पूरे ऐड कर क्या आना 200 आना। ठीक है ना, अब इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सम ऑफ द सीरीज, तो सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सम ऑफ द सीरीज है, ये सम का फॉर्मूला इक्वल्स टू पूरे सम कितने होना अपने को 200, तो 200 यहाँ पे डालिए, ए क्या है अपने पास फर्स्ट टर्म 20, डी क्या है टी टू माइनस टी वन, तो ये हो गया माइनस वन, तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे सब्सक्राइब लो, एन ऐसे सीखता लो, एन माउंट करना है अपने को, तो एन बाई टू इंटू टू इंटू ए, ए की वैल्यू 20 प्लस एन, एन तो मालूम करना है माइनस वन इंटू डी माइनस वन इक्वल्स टू 200। अब इसको सॉल्व करते करते हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये टू डाला लो, टू टू सा 400 आता है, यहाँ पे क्या बचेंगे बोलिए, यहाँ पे रहेगा एन इंटू 220 इज़ 40 माइनस इंटू प्लस माइनस एन माइनस इंटू माइनस प्लस वन, ये टू द लेके जा रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू 200 इंटू टू इम्प्लाइज 40 प्लस वन 41 आता, एन इंटू 41 माइनस एन इक्वल्स टू 2 इंटू 200 क्या होता 400, इसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा बोलिए 41n माइनस n इंटू n n स्क्वायर इक्वल्स टू 400, एक साइड डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ये माइनस है ना n स्क्वायर, ये n स्क्वायर क्या है माइनस है, उधर लेके चले हो तो पहले n स्क्वायर डालो, माइनस n स्क्वायर उधर लेके तो प्लस n स्क्वायर, प्लस 41n उधर लेके तो माइनस 41n, 400 तो वही है प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो फैक्टराइज करना है तो फॉर्मलाइज करना, देखिए भाई मैं फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सो माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है ना, तो x की वजह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, n इक्वल्स टू माइनस बी क्या है माइनस 41 प्लस सो माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर है माइनस 41 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करना है तो यूज कर लीजिए, मैं फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ, बिल्कुल 400 है ना, आसान है तैयार के लिए, 25 इंटू 16 400 होता, 25 16 5 जा 80 का 0 कैरी 8 16 2 जा 32 32 प्लस 8 400, तो आप देखिए 16 इंटू 25 इंटू 16 400 होता, अब माइनस 41 आना है ना, दोनों को माइनस लगा लो, आप मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू माइनस प्लस 25 16 जा 400, ऐड करो माइनस 25 माइनस 16 माइनस 41 होता, माइनस 25 माइनस 16 400 होता।
तो इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, कैसे लिखना बोलिए, एन स्क्वायर, ये माइनस 41 की बजाय ये दो ही डालते हैं, माइनस 25n माइनस 16n। अब क्लियर फैक्टराइजेशन समझना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा ला मैं उसके, है ना, उसमें देख लीजिए आप लोग फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस कराना। अभी पहले दोनों में से n कॉमन ले लो, दूसरे दोनों में से n कॉमन ले लो, सॉरी ये दोनों में से कॉमन किएगा n, तो एक n बच जाएगा, माइनस 25 बचेगा, ये दोनों में से माइनस 16 कॉमन ले लो, तो ये माइनस 16 चले गया तो ये n आता, क्योंकि माइनस कॉमन लिए प्लस जाके माइनस होता, कॉमन यानी डिवाइड करना वाले से, तो 400 को 16 से डिवाइड कर तो 25 आ जाता। कैसे ये दो नंबर सेम आते, फिर ये दोनों कॉमन ले लीजिए, n माइनस 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा n, यहाँ पे माइनस 16, n माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो। या फैक्टराइजेशन मुश्किल है तो फॉर्मूला इसके लिए आप n माइनस 25 इक्वल्स टू जीरो और n माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर n इक्वल्स टू 25, n इक्वल्स टू 16। देखिए अपने पास सिर्फ 200 लॉक्स है ना, उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, एक एक कम कर जा रहे हैं, तो 25 तक नहीं जा सकता, रो 25 तक जितने लॉक्स है ही नहीं अपने पास, है ना, तो खाली इतना रिजेक्ट करो, उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट n नॉट इक्वल्स टू, ठीक है यहाँ लिखा हूँ मैं, बट n नॉट इक्वल्स टू 25, क्योंकि उतने लॉक्स नहीं है अपने पास, 200 लॉक्स को 25 तक रोज को एक एक कम करके 20 से करे तो नहीं जाता वहां तक, तो देयरफॉर क्या ले लेंगे बोलो अपन, n इक्वल्स टू 16, है ना, देयरफॉर कितने रोज फॉर्म हो रहे बोलिए, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज फॉर्म हो गए n इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, ऑल्सो फाइंड द, क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ लॉक्स इन द लास्ट रो। अब लास्ट रो में कितने लॉक्स है वो मांग करना है, है ना, तो यहाँ पर ऊपर एक दारो में, ठीक है, अब ये देखिए एन आ गया, अब लास्ट रो में कितने लॉक्स है मांग करना है, जैसे अब ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, अपने पास क्या आ गया, एन इक्वल्स टू 16 आ गया, तो एन इक्वल्स टू 16, है ना, एन इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 16, यानी 16 रोज फॉर्म हो रहे। अब ये भी मालूम करना ना भाई, 16th रो में लॉक्स कितने हैं, उसका मतलब एन ए 16 मालूम करना, ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 16 क्या मालूम करना है, तो देयरफॉर अपने पास ऑलरेडी फॉर्मूला है ए 16 का, ठीक है ना भाई, nth टर्म का फॉर्मूला, तो ए 16 कैसा लिख सकते हैं बोलो अपन, ए प्लस 15d। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है अभी देखे ना अपन 20 है, फर्स्ट रो में 20 था ना, प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस 1, तो ये हैगा 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5, देयरफॉर नंबर ऑफ लॉक्स इन लास्ट रो, नंबर ऑफ लॉक्स इन लास्ट रो कितने हैं बोलोगे 5। देखिए भाई इसको अपन यहीं पर रोक देंगे क्लास, वरना काफी बड़ी हो जाएंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर ये सबमिशन के और थोड़े क्वेश्चंस करके इंशाल्लाह जीपी स्टार्ट करेंगे, तो और एक क्लास इंशाल्लाह इसको दे देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट करके इंशाल्लाह सबमिशन जीपी के बेसिक स्टार्ट करेंगे, और एक क्लास में इंशाल्लाह जीपी कंप्लीट हो जाता है फिर।